गदर 2 से पहले सनी देओल की इन 7 फिल्मों ने भी कमाई है सबसे ज्यादा करोड़। सनी देओल 66 इयर्स के हो गए हैं। पिछले 40 सालों से बॉलीवुड में एक्टिव हैं। सनी देओल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म गदर 2 सनी के करियर की सबसे बड़ी हिट है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 690 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। आइए जानते हैं गदर 2 के कमाई के मामले में सनी देओल की टॉप 7 फिल्मों के नाम। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आ रही है गदर एक प्रेम कथा। साल 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने कमाई थी 127 करोड़ रुपए। ऑब्वियसली दोस्तों गदर एक प्रेम कथा इतनी बड़ी हिट रही थी, इस वजह से इसका सीक्वल भी बनाया गया था। मेकर्स ने तभी डिसाइड किया था कि वो इसका सीक्वल बनाएंगे और इसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया था पहले पार्ट को। ऑलमोस्ट कहा जाए तो पूरी इंडिया ने इस फिल्म को देखा है और पूरी इंडिया के दिल में इस फिल्म के लिए बहुत ही खास जगह है। अब दोस्तों दूसरी ओर आपको ये बताना चाहेंगे कि इस फिल्म लिस्ट में अगले नंबर पर कौन सी फिल्म आती है। तो अगले नंबर पर आ रही है सनी देओल की फिल्म घायल। यहाँ दोस्तों घायल 1990 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने कमाए थे 88 करोड़ रुपए। टाइम पे ये फिल्म ने इतने ज्यादा पैसे कमाए थे। ये उस टाइम की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और उस साल की 1990 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस पे कमाई करने वाली। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये उस साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। अब दोस्तों अगले नंबर पर आ रही है फिल्म बॉर्डर। बॉर्डर दोस्तों ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने कमाए थे 50 करोड़ रुपए। 1997 की ये नंबर वन हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया। मल्टी स्टारर स्टार कास्ट थी और सभी को फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब दोस्तों दूसरी ओर जो है फिल्म डर है। 1993 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जूही चावला और शाहरुख खान इस फिल्म में लीड रोल में थे। सनी देओल भी इस फिल्म में लीड थे। ये तीनों एक्टर्स फिल्म में लीड में थे और सभी ने इनको बहुत पसंद किया था। इस फिल्म ने कमाए थे 22 करोड़ रुपए। दोस्तों अगले नंबर आ रही है फिल्म त्रिदेव। त्रिदेव ने 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसमें माधुरी दीक्षित थी सनी देओल के साथ। फैंस ने फिल्म को बहुत पसंद किया। 17 करोड़ रुपए में ये फिल्म ने कमाई की थी पूरी। और उस टाइम पर 1989 पे इस फिल्म ने 17 करोड़ रुपए कमाए थे। ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ा फिगर था किसी भी फिल्म के लिए, क्योंकि उस टाइम पे फिल्में बनती ही थी 1-2 करोड़ में या 1 करोड़ के अंदर ही फिल्में बनाई जाती थी और उसे ही बिग बजट फिल्में कहा जाता था। 17 करोड़ फिल्म ने कमाए थे, बहुत अच्छी कमाई की थी। अगले नंबर आ रही है फिल्म दामिनी। 1993 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल ये तीनों एक्टर्स फिल्म में लीड में। फिल्म ने कमाए थे 11 करोड़ रुपए। एक्चुअली देखा जाए तो सनी देओल का जो रोल था वो इंटरवल के बाद में था, यानी जब पूरी आधी मूवी खत्म हो गई थी तब सनी देओल का रोल आया था। इसमें एक्चुअली पहले उनका केमियो रोल था, फिर उसके बाद वो केमियो रोल को थोड़ा एक्सटेंड किया गया था। पर ये फिल्म के हिट होने की वजह सनी ही रहे थे। उनके डायलॉग बाजी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। अब आपकी इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर आ रही है फिल्म पाप की दुनिया। फिल्म 1988 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने कमाए थे 9.50 करोड़ रुपए। ये फिल्म भी सुपर हिट रही, ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और सनी ने इसमें काफी अमेजिंग एक्टिंग की थी। उनकी बॉडी के सभी दीवाने हो गए थे इस फिल्म से। खैर दोस्तों अब आप इस सबको लेकर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।